वेलकम टू महिमा सेठिया चैनल। आज का मेरा वीडियो खासकर उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे 4 से 5 साल की उम्र के हैं और जो पेरेंट्स अभी घर में अपने बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं। लिखना राइटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है लर्निंग स्ट्रेटजीज में, लेकिन ये जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही डिफिकल्ट है बच्चों के लिए, क्योंकि पहला तो इसमें बच्चों को हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत फोकस करना पड़ता है, दूसरा उनके फाइन मोटर्स इतने डेवलप नहीं होते हैं कि वो पेंसिल का प्रेशर झेल सकें, इस वजह से उनके फिंगर्स में बहुत पेन होता है और वो लिखना पसंद नहीं करते हैं। वो अक्सर पेरेंट्स से शिकायत करते हैं कि हम ज्यादा नहीं लिख सकते या हमें लिखना पसंद नहीं है क्योंकि हम लिखने से हमारी फिंगर्स में बहुत पेन हो रहा है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आज मैं आपके पास आई हूँ। आज मैं आपके पास एक ऐसी एक्टिविटी लेके आई हूँ जो कि राइटिंग स्किल्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इवॉल्व करेगी। जिस एक ऐसी एक्टिविटी है जो बच्चों के बहुत इंटरेस्ट की है। ये एक्टिविटी हम अक्सर अपने बचपन में भी करते थे, जब हमारी मदर्स कुछ अनाज वगैरह बीनती थी तो हम उस अनाज से खेलते हुए कुछ वर्ड्स बनाना सीखते थे। तो इसी एक्टिविटी को हमें अभी वापस अपने बच्चों के लिए इम्प्लीमेंट करना है और इतने अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है कि बच्चे बहुत अच्छे से लिखना सीखें। तो चलिए हम एक्टिविटी टेबल पे चलते हैं जहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हम ग्रेन्स से बच्चों को राइटिंग कैसे सिखा सकते हैं और कैसे उनके लिए ये चीज़ को इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम आज ग्रेन से राइटिंग एक्टिविटी करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक शीट पर यहाँ पे कुछ चावल को बिखेर दिया, इससे हम राइटिंग एक्टिविटी करेंगे। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि हमने ग्रेन्स ही क्यों यूज़ किए हैं। ग्रेन्स मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग टूल है। आपका 3 या 4 साल का बच्चा अगर बाय द वे गलती से ग्रेन मुँह में भी ले ले तो वो उसके लिए हार्मफुल नहीं होगा। स्कूल्स में नॉर्मली यही चीज़ हम सैंड राइटिंग से करते हैं, लेकिन सैंड से अगेन हमें बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा कहीं मुंह में न खा ले, इसलिए हम ग्रेन्स लेंगे। दूसरा एक रीज़न ग्रेन्स से ये भी है कि आजकल के बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बहुत ही अच्छी नहीं है, वो खाने में भी बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो जब अगर आप उनको ग्रेन्स के हेल्प से ही राइटिंग कराएंगे तो उनका जो ये फिंगर, दीज आर द फाइन मोटर्स, ये जब फिंगर से वो इस ग्रेन को टच करेंगे, इसको फील करेंगे, तो उनके बीच में और ग्रेन्स के बीच में एक कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। उस वजह से जब आप इस ग्रेन की उनको इम्पोर्टेंस बताएंगे कि ये हमें खाना क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या न्यूट्रिएंट मिलता है, ये हमारे ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, तो बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस ऐसे खाने में वो फिर कोई भी नखरे नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हम किस तरह से अपनी राइटिंग स्टार्ट करें। तो राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अक्सर पेरेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि मैम हमारा बच्चा नंबर्स लिख तो लेता है पर वो मिरर इमेजेस बनाता है। मिरर इमेजेस मतलब वो कुछ नंबर्स उल्टे बनाता है। तो आपका बच्चा कभी भी नंबर्स उल्टे ना बनाए, इसके लिए आप पहले दिन से ही सतर्क रहें और अवेयर रहें। उसके लिए क्या करना है कि आपको अपने बच्चे को बोलना है कि आपको दोनों हाथों से, दोनों इंडेक्स फिंगर, दीज आर कॉल्ड द इंडेक्स फिंगर, इन दोनों फिंगर्स से ग्रेन में एक जैसी कर्व्स बनाने हैं। तो सबसे पहला जो कर्व बच्चों के लिए इजी होता है वो होता है सर्कल कर्व। तो आप दोनों फिंगर्स से बोलिए बच्चे को कि वो इसके अंदर इस तरह से सर्कल बनाए। देखिए जब वो इस तरह से सर्कल बनाएगा तो ये कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं और बहुत ही इजीली बन रहे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की फिंगर्स पे कोई भी प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बच्चा बहुत इजीली ये कर्व्स बनाएगा। इसके बाद आप दूसरे कर्व्स भी उसको सिखा सकते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, देन यू कैन आस्क द चाइल्ड टू मेक स्लीपिंग लाइन। अगेन हमेशा जब भी आप ये कर्व सिखाएंगे आप बच्चे को बोलेंगे कि आप दोनों फिंगर्स से सिखाएंगे। देखिए दोनों फिंगर्स से आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों फिंगर्स का क्यों यूज़ करना है मैम। दोनों फिंगर्स का यूज़ इसलिए करना है क्योंकि जब हम दोनों हैंड्स यूज़ करते हैं तो हमारे राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों ही एक्टिव रहते हैं, और जब हम उससे अगर हम कोई भी इमेज बनाएंगे, दोनों एक जैसी इमेज बनेगी, तो बच्चे को मिरर इमेज वो कभी भी नहीं बनाएगा क्योंकि उसके राइट और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेटेड हैं और फिर वो करेक्ट इमेज ही ग्रास्प कर रहे हैं।
इससे आप कोई कुछ भी उनको लिखना सिखा सकते हैं। अल्फाबेट्स बहुत इजीली, देखिए कितने अच्छे से अल्फाबेट्स बन रहे हैं, कितने क्लियर इमेज आ रही है। आप उनको नंबर्स भी सिखा सकते हैं। एंड ऑलवेज यूज बोथ द हैंड्स, आपको हमेशा दोनों ही हैंड्स यूज करके बच्चों को सिखाना है। आप इसमें उनको हिंदी के अल्फाबेट्स, हिंदी के भी अक्षर सिखा सकते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं कि मैं अ बना रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। इसमें आप कर्सिव भी बहुत इजी तरीके से सिखा सकते हैं। ये इतना इजी इसलिए है क्योंकि बच्चा आराम से हैंड का मूवमेंट, जो बच्चे का स्ट्रोक है, जो बच्चा कर्व्स ले रहा है, उसका मूवमेंट बहुत ही आसानी से हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बच्चे के फिंगर पे कोई प्रेशर नहीं आ रहा है। तो जब बच्चा अगर अच्छे से कर्व्स मूव करना सीखेगा, उसके स्ट्रोक्स एकदम क्लियर होंगे, तो जब वो राइटिंग करेगा, एक्चुअल जब वो पेंसिल और पेपर लेके राइटिंग करेगा, तो वो बहुत ही नीट आएगी और बहुत ही उसके कर्व्स और स्ट्रोक्स क्लीन होंगे। तो सबसे पहले आपको राइटिंग स्टार्ट करने से पहले पेन और पेपर से कभी भी ना स्टार्ट करें, हमेशा ग्रेन्स पर उनको बनाना सिखाएं। ग्रेन्स पर बनाने से क्या होता है कि बच्चों को एक आइडिया भी आता है कि किस तरह से हमें बनाना है, उनका क्या एरिया है। आप जैसे मैंने तो सिर्फ चावल यूज़ किए हैं, आप अलग अलग ग्रेन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये येलो मूंग दाल, ग्रीन मूंग दाल या ब्लैक उड़द दाल। तो इससे क्या होगा कि उनकी एक्टिविटी बहुत ही कलरफुल होगी, बच्चे कलर्स बहुत पसंद करते हैं। प्लस आप उनको इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि ये मूंग दाल है, ये हमारे खाने के लिए क्यों अच्छी है। आप डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेन्स यूज करने में एक चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है कि जो भी आप ग्रेन यूज कर रहे हैं उसका एक सरफेस फ्लैट हो। अगर पूरा ग्रेन राउंड होगा तो वो क्या होगा, वो रोल हो जाएगा और बच्चा जो भी अल्फाबेट या नंबर या कोई भी हिंदी का वर्ण लिख रहा है तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसलिए आपको राइटिंग कराते समय ये बहुत ध्यान रखना है ग्रेन का। जब आप सिलेक्शन करें, एक तो ग्रेन थोड़ा सा फाइन हो, बारीक हो, बहुत मोटे ग्रेन में भी बच्चा लिख नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसमें आप दूसरे उसको और भी बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं। आप शेप्स ड्रॉ करना सिखा सकते हैं, जैसे कि दिस इज सर्कल, आप उसको सिखा सकते हैं। आप जब इस ग्रेन को वापस बहुत अच्छे से इकट्ठा कर लीजिए, देखिए इस तरह से, एंड जब आप इसको थोड़ा से इस तरह से टैप करेंगे, ये धीरे 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 धीरे, ये अगेन एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग एक्टिविटी है, जहाँ पे बच्चा धीरे धीरे हाथ मार रहा है और बहुत धीरे से इसको टैप कर रहा है। फिर आप उससे यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर बनवा सकते हैं, रेक्टेंगल बनवा सकते हैं, ट्राइंगल बनवा सकते हैं, कोई भी इस तरह से डिजायर्ड शेप आप उससे बना सकते हैं। अब जब बच्चा इस तरह से खेल खेल में शेप्स बनाएगा तो उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी आएगी और वो बहुत ही इंटरेस्ट से, आप जो भी यहाँ पे उसको सिखाएंगे वो बहुत ही इंटरेस्ट से उसको ग्रास्प करेगा। तो पेरेंट्स, आपने देखा कि मैंने आपको इस एक्टिविटी से सिखाया कि किस तरह से हम नंबर्स, अल्फाबेट्स, हिंदी के वर्ण और शेप्स बच्चों को इजीली सिखा सकते हैं। ये इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि बच्चे इसको अपने आप से करने के लिए, मतलब आपको रोज याद दिलाएंगे कि आज हमें ये एक्टिविटी करनी है। आप इससे बहुत सारी और भी दूसरी चीज़ें, आप किचन के सारे ग्रेन्स उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये ग्रेन्स हमको खाने चाहिए या ये ग्रेन्स हमारे किचन में अवेलेबल हैं। तो इससे बच्चों के सारे जो ऑलराउंड जो सब्जेक्ट्स हैं, EBS के सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, एवरीथिंग इज कवर्ड, सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। दिस इज माई, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि ये बहुत ही कारगर है। जो बच्चे ग्रेन राइटिंग से पेपर राइटिंग पे जाते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही सुंदर होती है। क्यों? क्योंकि वो पहले ही अपने स्ट्रोक्स और फॉर्मेशन बनाना सीख के आ चुके हैं। सो पेरेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।